एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। ये है सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु का रेलवे स्टेशन। यहाँ हर मिनट सांपों की तरह आने वाली ट्रेन देश के कोने कोने से लोगों को लाकर यहाँ पटकती है। फूलों का रस चूसने के लिए जिस तरह से मधुमक्खियां निकलती हैं, वैसे ही अपने पेट की आग बुझाने के लिए लाखों लोग यहाँ पर आते हैं कई सपने लिए। दूर से आए हुए लोगों की जिंदगी यहाँ से शुरू होकर यहीं पर रुकी हुई है, टूटे चक्के के ऊपर रुके एक बोगी की तरह। छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ दो। भाई टेंशन में हो क्या? एनर्जी के लिए चाय पियो, चलो ले लो। ये सर्टिफिकेट फिल्म का सीन है, बच्चों को नहीं देखना चाहिए। चल भाग भाग। मुझे एक्शन फिल्म के डेड बॉडी का सीन दिख रहा है। लोग तुम्हारी चिता पर मातम मना रहे हैं। वो आवाजें मुझे सुनाई दे रही है, तुम्हें नहीं दे रही है। जो मुझे चिता पे लेटाएगा मरी टाइगर। मरी टाइगर। तुझे उसने काम पे लगाया है, इसलिए तेरे लिए टाइगर हो सकता है। टाइगर गुफा में रहता है, यहाँ ट्रेन की बोगी में नहीं। बुला टाइगर के पिल्ले को। असली बाप की औलाद है या नहीं चेक कर ही लेता हूँ। वो कलर प्रिंट नहीं है, चेक करो, पक्का ओरिजिनल प्रिंट है टाइगर। बहुत टाइगर टाइगर कर रहा है। लॉक। वो भाग रहा है, पकड़ो उसे। लड़की नाम के फल को जबरदस्ती नहीं खाना चाहिए, तो दिखने में तो हर खंबे पर टांग उठाने वाले आवारा कुत्ते जैसा लगता है। वैसे तो किस नस्ल का कुत्ता है जरा देख ही लेता हूँ। आजा। Oh,
टाइगर प्रिंट है मुझे पता चल गया। अब मैं कभी भी खंभा दिखेगा तो अपनी टांग नहीं उठाऊंगा। माँ कसम नहीं उठाऊंगा, मुझे मार नहीं खाना है भाई। इन्हें धूल चटा दी, वाह मेरे शेर वाह। थैंक यू सर। पहले अपने जिस्म को पूरी तरह ढक लो मैडम। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे छोड़िए ना ये सुन कटिंग, इनका एड्रेस पूछकर ऑटो से ले जाके छोड़ दे। ओके बॉस। ऑटो के नाम पे टोकन मत मैडम जी, आपका ओरिजिनल एड्रेस बताओ। चलो ठीक है। अरे सुन बेटा। बोलो मालिक। टाइगर भाई आए हैं पता है। हाँ पता है। उनके लिए मैंने बहुत अच्छी चाय बनाई है, ले जा दे दे। ओके दीजिए बॉस। हाँ। ये लीजिए। टाइगर भाई क्या है, आपकी दया से मेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। ए उड़पे, सिर्फ कटिंग पिला कर झाड़ पे चढ़ा रहा है क्या, मेरा हाफ किधर है बता। हाफ क्यों भाई, छोटू के हाथ से फुल बॉटल भिजवा दूंगा। भिजवाना भूल गया ना तो 32 ही नहीं रहेगी तेरी। 32 ही बची ही कहां है। भिजवा देना। चाय के साथ नाश्ते के लिए सिगरेट लाऊं क्या? ओए लीवर में जहर नहीं भरने का है, चल भाग यहां से। छोटू जाकर एक गिलास ला बेटा, थोड़ी सी बची है यहीं लगा लेता हूं। ए उड़पे, इसमें शक्कर नहीं डाला है क्या? डाला तो था बस, जरा उठाओगे क्या? क्या बोला? पैर पैर। अच्छा ये क्या, ये ले। थैंक्स। सीधा बैठ। बॉस बॉस एक बढ़िया बकरा फंसाया है, अगर बोलो तो मसाला पीसी डालता हूँ। इसका यही काम है। मटन अच्छा खासा मिलेगा ना बॉस? भरपूर मिलेगा बॉस, 7-star बार में कांटा डालकर आया हूँ। फंदा डाल के फंसाने वाला फंदा बॉस। सही तरीके से बताने की बजाय हंटर वालों की भाषा यूज कर रहा है। चल चल जल्दी, ये तेरी दुकान उठा। चल ए उड़पे, मसाला रेडी कर, मैं मुर्गा भिजवा रहा हूँ। बॉस सर, मैंने कहा था ना टाइगर केयर ऑफ रेलवे स्टेशन, वही यही है। लगता है तुम्हें पहले कहीं देखा है मैंने। मुझे जो भी एक बार देख लेता है वो अक्सर यही बोलता रहता है। मैटर बोलो। मैटर बहुत ही सिंपल है। सिंपल है तो मेरी क्या जरूरत है, वो तो यही कर देगा। अरे टाइगर बात नहीं है बॉस, आप पहले पूरी बात तो सुन लो। मेरा एक फ्रेंड है मोहन नाम का। अच्छा। मेरे बहुत सारे खास डॉक्यूमेंट्स वो मुझे वापस करने वाला है, वो मुझे किसी भी हालत में चाहिए, मिस नहीं होने चाहिए। देखो टाइगर, पैसे कितने भी लगे उसकी परवाह नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए। ये लो पैसे। पैसा गिरा ना गुरु, समझो आपका काम हो गया। हाथ हटा, मैं खड़ा हूँ। पैसे देखकर हाथ फड़फड़ाए जाते हैं। मिस नहीं होना चाहिए टाइगर। मिस नहीं होगा, ठीक है ना? मेरा नाम है मोहन, सन ऑफ किटी, श्री रामपुरा किटी, नंबर 30, बैंगलोर 78। बस और क्या चाहिए? पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो क्या? तुम्हारी क्या डील है? डबल दूंगा, मार इसे। सुपर शॉट। मैंने तुझे बुलवाया और मुझे ही मार रहा है तू। ये ले इसे मार। पैसे देकर जूते खाना इसे कहते हैं। बहुत सही टाइगर। यस। सुपर कमाई। मतलब तुझे भी हिस्सा चाहिए। अब मुझे 5-3-2-1 बस 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 इतने काम चल जाएगा। अरे क्या तकलीफ है तुम्हारा? ये धंधे का टाइम है, नुकसान हो रहा है सर। अपना धंधा पूरा हो गया, तुम अपना धंधा समझ गया। छोड़ो। 16, 17, 18, 19, 20, 21 में वाह क्या कलेक्शन हुआ है आज। ये गमछा लपेट के क्यों आ रहा है, ठंड लग रही है क्या? नहीं बॉस। तो फिर मैंने भी अपना हिस्सा ले लिया है। लोफर, चल जल्दी। कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है मेरे इस महल में। दूर रहना, मेरे पास मत आना, मैं चाकू खोद दूंगी। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। रही मेरे पास मत आओ, दूर रहो, मैंने कहा ना दूर रहो मुझसे, दूर रहो। प्लीज प्लीज मुझे कुछ मत करना, मुझे छोड़ दो, मैं ऐसे चली जाऊंगी, कुछ मत करो प्लीज। काट कर पोटली बनाकर शिवाजी नगर के मार्केट में वेट करूंगा ना तो पाव किलो मांस भी नहीं निकलेगा तेरे में से, समझी गया? और तू बोलते है मेरे को कुछ मत करो।
ये तो मेरे रिकॉर्ड में भी नहीं है। ये बता, तू मेरे घर में कहां से आ गई? ये बोगी आपकी है क्या? ये बोगी नहीं है, मेरा मंदिर है। आसपास के कुत्ते तक यहाँ पे आने के लिए डरते हैं। तू कहां से आ गई? आधी रात को एक लड़की इतने बड़े रेलवे स्टेशन में यहाँ वहाँ नहीं सो सकती, इसलिए यहाँ आ गई। सिर्फ आज रात यहाँ काटना है ये सोचकर आ गए। मुझे सिर्फ आज की रात यहाँ रहने दीजिए, सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। सच कह रही हूँ, चली जाऊंगी मैं। अगर आपको तकलीफ है तो मैं अभी चली जाती हूँ। ए कोयल, तूने कहा कि तू अकेली है ना, चुपचाप किसी कोने में लुढ़क जा, चल। अरे यार बहुत नींद आ रही है। डोंट डिस्टर्ब मी। मच्छर भी पीछा नहीं छोड़ता है, लगता है नशा करना उसको भी पसंद है। सर दुख रहा है, लगता है उतारने के लिए पैग लगाना पड़ेगा, नहीं तो। बॉस चाय रेडी है? आ रहा हूँ, रुक। हैप्पी वाला गुड मॉर्निंग बॉस। क्या हुआ? आपके लिए स्पेशल बनाई है, ये लीजिए। अबे रात की 90 अभी तक उतरी नहीं है, ऊपर से तू चाय पिला रह गया। चाय पीजिए, उतर जाएगी। अबे कैसा टेस्ट है? श्री मन्नारायण गोविंदा गोविंदा। भाई खाना खाए 3 दिन हो गए, कुछ दो ना भाई। योर मदर योर फादर दोनों का बहुत भला होगा, दो ना भाई। क्या? फादर मदर दोनों का भला होगा। ₹10 कम है, थोड़ा सा और देंगे तो मैं आपके नाम पे क्वार्टर ले लूंगा। रात का खाना नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। क्या? रात का खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा। गोविंद भाई ये क्या है, इससे जरा सा पैसा मांगा तो सबको उठाकर यहाँ बैठा दिया। अरे चुप रे, धीरे बोल धीरे बोल। तू उसके बारे में नहीं जानता है, बस एक बार उसे कहीं से पैसा मिल जाए फिर देखना वो किसी को भी भूखा नहीं सोने देगा। बस तुम देखते जाओ, ऐसा खाना खिलाएगा ना जो तुमने कभी नहीं खाया होगा। टाइगर जो कुछ भी कमाता है इनके पीछे उड़ाएगा तो फिर तेरे लिए क्या बचेगा? एक दाना भी मत छोड़ना, हम सबको दिल से खिला रहे हैं ये। चीटर से पैसा छीन के खाना चाहिए, ईमानदार है तो मेहनत करना चाहिए, पैसा कमाया तो उसे बांट के खाना चाहिए, इसी को तो लाइफ बोलते हैं। ऐसा ना करके बंद दरवाजे में चोरी चोरी खाने वाले मर भी जाए तो उससे क्या, गोल्ड बिस्किट मिलेगा क्या? एक मुट्ठी चावल और 2 गज जमीन, सबकी जिंदगी में यही है ना। अरे बॉस ये नो एंट्री इधर ही है। नो एंट्री नहीं है, रॉन्ग एंट्री है, चली गई थी ना। व्हाई री एंट्री? वो एक खास काम के लिए मैं बैंगलोर आई थी, वो काम निपटने में और 4 दिन लग जाएंगे, तब तक मुझे आपके घर में रहने की इजाजत मिल सकती है क्या? वाह पब्लिश हो गया है, टाइगर का घर सेफ है। भारत सरकार ने भंगार बोगी समझ के इसको साइड में फेंक दिया है, तो इसे अपना मंदिर समझ के हम यहाँ पे रह रहा है। मेरे मंदिर को तूने घर बोला ना, दिल खुश हो गया। 4 दिन का एगो, 5 दिन भी तू ही है। ओह थैंक यू, चाहे तो 5 दिन भी रह सकती हो। अभी तुम जाओ और आराम करो, जाओ जाओ आराम करो, जाओ। बस एक सवाल पूछूं? बर्थडे में बारातियों को दावत नहीं देनी है। धड़क ड्याव 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 ड्याव। बॉस सिर्फ एक ही डायलॉग बोलूं? अरे यार तू भी ना, चल बोल। अपनी इज्जत संभालना बॉस। अबे तेरी भैंस की टांग, मैं मजबूर लड़कियों की इज्जत बचाते आया हूँ और तू मुझ पे ही शक कर रहा है? थू तेरी, तू मेरा चेला नहीं है, दुश्मन है दुश्मन। ये कोयल लुढ़क गई क्या? ठीक है लुढ़की रहे लुढ़की रहे। अरे वाह,
कट में मिला समझ के अब तक मरी पड़ी है। माफ करना, मैंने जानबूझ के नहीं किया, डिस्टर्ब हुआ क्या? भटके यहाँ से चाय भिजवाता हूँ, पी के फिर से लुढ़क जाना। तेरा प्रोग्राम दांत घिसना, मुंह धोना और सफाई के जैसा कोई प्रोग्राम है ना, तो पानी उधर आता है, लागे कर लेना। अरे छोटे एक 90 देना, तो सॉरी चाय देना, ठीक है ना? जाफर, वो कौन है जो नया ऑफिसर आ रहा है? मैं ऐसे ही जरा रेलवे स्टेशन का चक्कर लगाकर आया हूँ। समथिंग इंटरेस्टिंग। जाफर, हु इज दिस टाइगर? बोगी को ही घर बना रखा है, वो उसकी प्रॉपर्टी है क्या? सर ऐसा मत बोलिए, सब पर भारी है वो टाइगर। इस रेलवे स्टेशन को मेंटेन करने के लिए बचपन से उसी बोगी में रह रहा है सर, और उस बोगी को भगवान का मंदिर मानकर रहता है वो वहाँ पर। उसका कोई रिश्तेदार हमारे डिपार्टमेंट में है क्या? सर वो कहाँ से आया है, कैसे आया है, हमें कुछ नहीं पता सर, लेकिन बचपन से वो यहीं खेल कूद कर बड़ा हुआ है सर। एक तरह से देखा जाए तो वो हमारा हिस्सा है सर। डिपार्टमेंट में जो फाइल्स पेंडिंग पड़ी है उसको देखिए सर, उसको छोड़िए। अरे सर पे लग गया यार, इधर आ। अरे जल्दी उठ के आना यार। ये ले। ये क्या है? दम बिरयानी, खा ले और आराम से लुढ़क जा। ये ले। मैंने खाना खा लिया। अरे ये क्या है, इसको बम बिरयानी समझिए क्या? शिवाजी होटल की दम बिरयानी है, खा लेना, बहुत अच्छी है। मैंने कहा ना खाना खा लिया। मैंने सोचा था इस बिरयानी में तेरा नाम लिखा है, लेकिन इसमें आवारा कुत्तों का ही नाम लिखा हुआ है। नो प्रॉब्लम। नहीं, रुको, मैं खाती हूँ। बहुत नौटंकी कर रही है, वो भी मेरे सामने। आराम से, इस रेलवे स्टेशन पे रोजाना कलर कलर वाली लड़कियों को देखता रहता हूँ, और तू मुझे डोज दे रही है। मेरे को पता है तूने 2 दिनों से खाना नहीं खाया। खुददारी भूख नहीं मिटाती। वैसे तूने अपना नाम ही नहीं बताया। व्हाट इज योर नेम? गंगा। गंगा, नाइस नेम। धीरे धीरे बहती ही रहती है, बहने दे बहने दे। गुड मॉर्निंग टाइगर। हाँ व्हाट? कल से तुम खाना यहीं खाना। मैं खाना इधर इस घर में? अच्छा नहीं बना है? सुपर बना है। हर जगह जो मिला है वो खाते खाते इस कुत्ते ने आवारा कुत्तों की तरह अपनी आदत बहुत ही बिगाड़ ली थी, लेकिन ये खाने के बाद जिंदगी सही जा रही है ऐसा लग रहा है। सुपर।
जान चाहता तो चल भाई। हाँ। चुपचाप नीचे बैठ जा। आप कौन है मालिक? मैंने पहचाना नहीं। इस साल का ट्री स्टॉल का टेंडर तुझे नहीं मिलेगा, समझ गया ना? ये क्या कह रहे हैं? ये आपको कैसे पता चली? तू अप्लाई करेगा तभी मिलेगा ना, क्योंकि इस बार ट्री स्टॉल के टेंडर के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। मेरे अपोजिट अगर तूने एक कदम उठाया तो तेरे श्राद्ध का टेंडर मैं भर दूंगा। टाइगर, टाइगर। क्या हुआ भट्ट? मैं बहुत परेशानी में हूँ भाई। क्या हो गया? वो गुंडा नागराज मेरे पास आया था, लंबी सी तलवार मेरे गर्दन पर रखकर टेंडर भरने बताना ये कह कर गया है भाई, मुझे कैसे भी करके टेंडर दिलवा देना। टेंडर का बोली कितना है? पूरे 10 लाख भाई। डील अमाउंट 25,000। ओके ना? वो पैसे मैं पहले से लेकर आया हूँ। टेंडर कितने बजे का है? सुबह 10:30 बजे। टेंडर मुझे मिल जाएगा ना भाई? टाइगर के पास शिकायत आए तो समझ लो कि भगवान डील करता है, तेरा काम हो जाएगा। 5 लाख 5 लाख 2 मेरी तरफ से 10 लाख। कितना बोला? 10 लाख। टाइगर, रॉन्ग एंट्री। एंट्री रॉन्ग या राइट ये मायने नहीं रखता, गेम मायने रखता है। ए, लगता है बहुत चर्बी चढ़ गई है तेरे बदन पे, उधर देख, चर्बी के साथ गर्मी भी निकल जाएगी। भंगार बोगी कितना भी रहे उससे क्या, उनको खींच कर ले जाता है सिर्फ एक ही इंजन। दस लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3। ए भाट। बोलो भाई। अब ठीक है ना? फुल बॉटल भिजवा देना। पूरा बॉक्स लेकर आऊंगा भाई। सही है। मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा बॉस। क्यों? बॉस मुझे गलत मत समझना। बोल, बच्चन मत कर, बता। बॉस आपके लिए एक मस्त डील लेकर आया हूँ। डील? हाँ, उस दिन जिसने 10,000 रुपए दिए थे तुमने उसका डील पूरा करके दिया, याद है ना? मैंने किससे मिलवाया था बॉस? सीधे सीधे बोलना। उसी डील को दूसरे ने 20,000 दिया तो तुमने उसे रिवर्स कर दिया। उसी तरह से अभी 25,000 भट्ट ने तुम्हें दिया हुआ है, दिया है ना? वही जिसे तुमने टेंडर दिलवाया भाई। अरे हाँ तो करो बॉस। अरे हाँ कर रहा हूँ, आगे बोल। हाँ बोलता बोलता बोलता। उसी तरह अब ये 50,000 लेकर भट्ट से टेंडर छीनकर इनको दिलवाना है। तो ये बेटर है। छोटी सी ढीला ले लो। बॉस मारा क्यों? अबे गधे, ये गवर्नमेंट का टेंडर है, एक बार पास होने के बाद साल भर इंतजार करना पड़ता है। ऐसा इतनी छोटी सी बात भी तेरे को समझ में नहीं आती है क्या? और मेरे को टेंडर छीनने के लिए बोल रहा है? बोला तो था बॉस। अबे तेरी थू, चल निकल यहाँ से। बड़ा आया टेंडर छीनने वाला। बॉस ने बोला है तो करेक्ट ही होगा। ओए, 3 जीन्स देना। ठीक है सर। और 5 टी-शर्ट देना। ओके सर। 6 अंडरवेयर और 5 कट बनियान और साथ में 2 बेल्ट देना। सबको एक साथ पैक कर देना। ओके सर। सर, आप इतने ध्यान से उस तरफ क्या देख रहे हैं? वो लड़की वाला जो पुतला है उस पे कौन सा ड्रेस पहनाते हो? उस पुतले को सर हर रोज अलग अलग कपड़े पहनाते हैं। तो सारे वैरायटी में से एक एक पैक कर दो। ठीक है सर, पैक कर देता हूँ। सर टोटल 35,000 का बिल हुआ है। कितना? 35,000 रुपया? मेरे पास तो सिर्फ 25 है। टी शर्ट निकालो। निकाल दिया, अभी 33 है। बनियान भी निकाल दो। ठीक है सर।
निकाल दिया, अभी 32। अच्छा 32,000 रुपया हो रहा है। पैंट भी निकाल दो। ठीक है सर, अभी 26 हो गया सर। तो अंडरवेयर भी निकाल दो। ठीक है सर। इसको क्या हो गया? शेम शेम शेम। मैंने क्या बोला और ये क्या समझ के ऐसा भाग रही है? क्या करे सर, आपने अंडरवियर निकालने के लिए कहा। इसमें से निकालने को बोला, ये बात उसे क्या पता सर। ठीक है ये लो। ठीक है सर, ये लेकर ना उसके पीछे मत भागना, यहीं पे रहना। अच्छी बात है सर। कोयल, ए कोयल गंगा। ये ले। अरे ऐसे क्यों देख रही है, ये मैं तेरे लिए लेके आया हूँ, पकड़ना। इसमें सब नए कपड़े हैं। क्यों, कोई डाउट है क्या? मैंने तुमसे लाने के लिए कहा था क्या? अरे जब से आई हो एक ही ड्रेस पे हो। खुददार इंसान कभी किसी से मांगता नहीं है, और इज्जत करने वाले ला कर दिए बिना रहते नहीं है। ये लो, अरे पकड़ो, तुम्हारे लिए लाया हूँ, जल्दी पकड़ो। हाँ गुड गर्ल, रात के लिए अच्छा खाना बना कर रखना, समझे? ठीक है। बस सुनिए, वैसे आप काम क्या करते हैं? मैं बताऊंगा तो तू सहन नहीं कर पाएगी। कोई बात नहीं, इस वक्त मैं टाइगर के साथ हूँ, बताओ ना। लेके बढ़ाता हूँ, बढ़ा के घटाता हूँ। मैं समझी नहीं। एक दिया तो डील, उससे एक और बढ़ा कर दिया तो रिवर्स डील। मतलब अगर लाख मिल जाए तो लाश गिराता हूँ, उसमें 1,00,000 और बढ़ा कर मिल जाए तो उसी लाश को जिंदा करके उसकी बोलियां लगाता हूँ। ओनली मनी, यही मेरा डीलिंग स्टाइल है। मतलब आप पैसों के लिए कुछ भी करते हैं? पैसों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार रहता हूँ। इसमें क्या शक है? अरे तुमसे अच्छी तो वो है। और तू तो अपने बच्चे के बाप को घर में लेना नहीं चाहती। बाल पकड़ के बाहर निकाल दूंगा। ज्यादा मत बोल, मैं भी तुझसे तंग आ चुकी हूँ। तेरे और तेरे बेटे को दोनों को बाहर निकाल। वैसे भी तूने दिया क्या है मुझे? अरे मैं क्यों दूंगा, तू अपने बाप के घर से ले गया। दूसरों के बीच में आप क्यों पड़ते हो? मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अरे तू तो दो वक्त का खाना भी नहीं खिला सकता मुझे। अरे तो किसी पैसे वाले का हाथ पकड़ के भाग गया मेरे पास। भाई क्या हुआ? लावर इसकी औलाद, मियां बीवी एक साथ रहते तो वो सुख दुख बांटने के लिए, इस तरह रोड पे आकर एक दूसरे को नंगा करने के लिए नहीं, समझा? भाई तुझे सोने के लिए एक औरत चाहिए, और तेरे को कहने के लिए सिर्फ नाम का एक पति चाहिए। अगर तुम्हारी इतनी औकात है तो फिर दोनों ने शादी काहे को की? अरे ए, इतने प्यार से खाना बनवाया था तो खाया क्यों नहीं? कौन माँ, कौन बाप, किसका बच्चा, बताओ तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? खाना खाए बगैर हाथ धोकर उठ गए। एक खींच कर दूंगा तेरे को, मेरी जगह पर खड़े होके देख, तब समझ में आएगा कि कलेजा कितना जलता है। मेरे माँ बाप होते हुए भी मैं एक अनाथ हूँ, मेरा दर्द तू कैसे समझेगी? कैसा दर्द बताओ ना। बहुत गहरा दर्द है, सुनेगी? मैं कौन हूँ, यहाँ कैसे आया, ये तुझे क्या पता है? You are educated. Responsibilities low, you are engineer. क्या तुमको ये सब कुछ करना चाहिए? क्यों? तुम uneducated हो क्या? तुम भी engineer हो ना? तुम उल्टी बातें कर सकते हो? दीपा, इंसान गुस्से में कुछ भी बोल देता है, तो उसके लिए इतना बड़ा फैसला? तुम्हारे जुर्म सहकर तुम्हारी गुलामी सहने के लिए मैं तुम्हारी बीवी हूँ क्या? Thank God, मैं वैसी नहीं हूँ, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ में रहेंगे सोचा था, लेकिन तुमने पानी फेर दिया, idiot. तुम मुझे idiot कह रही हो? तुम्हें भी चाहिए था और मुझे भी चाहिए था, इसीलिए हम दोनों लिविंग में रह रहे थे। बेचारा ये बच्चा, इस बच्चे ने क्या गुनाह किया? तुम इस बच्चे को छोड़कर चली आई? मैं अबॉर्शन करने वाली थी, तुमने मुझे रोका, मुझे नहीं चाहिए था, पैदा करके दिया है, चुपचाप पाल लो इसे। तुम्हारे अंदर माँ होने के सेंटीमेंट्स नहीं है क्या? बिना किसी फीलिंग्स के साथ मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? मैं एक करोड़पति की बेटी हूँ, मेरे पापा ने मेरी शादी दूसरी जगह फिक्स की है, खुशी खुशी शादी कर लूंगी। तुम, तुम्हारा बच्चा और तू, तू मैमे वाला सेंटीमेंट, जस्ट गो टू हेल। बात बात पर अपने बाप का जिक्र मत करो, मेरा बाप भी करोड़पति है। औरत होने का तुम्हें इतना गुरूर है, मैं मर्द हूँ, मुझे कितना गुरूर होना चाहिए? तुम्हारे गुरूर से मुझे क्या, मेरा डिसीजन यही है।
मेरी ट्रेन आ गई है, गुड बाय। तुम इस बच्चे से रिश्ता नहीं रखना चाहती हो तो फिर मैं क्यों रखूं? इस दुनिया में हजारों लाखों बच्चे अनाथ हैं, उनमें से ये भी एक अनाथ होगा। इस संसार में ऐसे भी माँ बाप होते हैं सोचती हूँ तो शर्म आती है, मुझे बहुत बुरा लगता है, दर्द होता है। खुद को संभालो टाइगर। क्या है? मैं नहीं आऊंगी। रात को फुल लगा कर सूटकेस के साथ बाहर फेंक दूंगा तेरे को। चला। ए, तुम लोग उधर जाके देखो और तुम लोग उधर जाके ढूंढो।
उस लड़की से तेरा क्या संबंध है? तुझे पैसा चाहिए ना? कितना चाहिए बोल? 10 लाख या 20 लाख? उसकी कीमत बोल, बोल ना। पैसा, पैसे के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पैसा के लिए तो तू कुछ भी कर सकता है, ये मैं जानता हूँ। क्या कीमत लगाता है बोल, जितना चाहेगा मिल जाएगा। क्या सोच रहा है, लड़की चाहिए या पैसा? लड़की या पैसा? लड़की या पैसा? तुझे पैसा चाहिए ना? मुझे वो लड़की चाहिए। अबे कमीने, मुझे वही चाहिए। बल्लारी ब्रदर से दुश्मनी लेके गलत कर रहा है टाइगर। रोकड़ा ले और साइलेंट हो जा। साइलेंट क्या होता है मुझे नहीं पता, मेरा तो वायलेंट ब्लड है। तूने बोला था वक्त आने पर मैं सब कुछ बता दूंगी, फिर भी मैं अभी तुझसे नहीं पूछूंगा, चल। टाइगर, बात यह है कि मेरे गांव का नाम वल्लारी है। अभी अभी जो आया था वो वल्लारी से ही आया था। राम रेड्डी, लक्ष्मण रेड्डी, भरत रेड्डी, ये तीनों सगे भाई हैं। पूरी वल्लारी में इनका सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, चल। कौन हो तुम लोग, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? चल, चल, प्लीज छोड़ो, छोड़ो, हे, छोड़ो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो मुझे। जहाँ तुम लोग खड़े हो वहीं कुआं खोदो। ठीक है भाई। ऐसा लगा यहाँ कोई आया है। कोई नहीं है भाई। ए भाई, क्या हुआ? जरा सामने तो देख। हाँ? सांप भाई, 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 रामू मर गया भाई। इसे क्या हुआ? खजाना, खजाना देखकर इसको खून की उल्टी हुई। अरे खजाना मिल गया, खजाना, खजाना, खजाना मिल गया। भैया, 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 क्या है? जो बंगला हमने छीना है ना, उसमें खजाना है, खजाना है। हाँ, हट,
क्या कह रहा है? हाँ भैया, मैं सच कह रहा हूँ, वह खजाना है भैया। अच्छा, खजाना। उस पुराने बंगले में सच में खजाना है। 10 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी, फिर भी खत्म नहीं होगा। मुझे यकीन हो गया है। स्वामी जी, ऐसा कर दीजिए कि वो खजाना किसी भी तरह मुझे मिल जाए। मरते दम तक मैं आपकी फोटो रखकर आपकी पूजा करूंगा। फोटो रखकर पूजा करोगी ये तो ठीक है, लेकिन उस खजाने का 50% भी मुझे चाहिए। वो क्या है स्वामी जी, वो जगह तो मेरी है, आपका काम उसमें से सिर्फ निकाल कर देना है। उसके नहीं 50% क्यों? 10% ठीक रहेगा। शास्त्रोक्त रीति से खजाने को निकालना होगा। जरा सी भी चूक हुई तो खजाना गायब हो जाएगा और हमारी जान भी जाएगी। जमीन तुम्हारी हो सकती है, लेकिन उसमें दबा हुआ खजाना तुम्हारा नहीं। अगर 40% दोगे तो ही मैं उस खजाने को निकालूंगा, अगर नहीं दे सकते तो तुम जा सकते हो। आपकी बात मुझे मंजूर है, लेकिन किसी भी सूरत में वो खजाना हमारे हाथों से निकलना नहीं चाहिए। अच्छी बात है। जगदम्बा की कृपा से आगे क्या करना है, कैसे करना है, मैं सब बताऊंगा। चलता हूं स्वामी जी। नमस्कार। 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 मैं पूरी रात खजाना प्राप्त करने वाला मंत्र जपता रहा। अब हमें अष्ट सिद्धि महापूजा करनी होगी और खजाने को वश में करना होगा। पूजा समाप्ति के आखिरी दिन अमावस्या की रात को एक बलि देनी होगी, फिर खजाना हमारा होगा। बताइए कैसी बलि देनी होगी, बकरी की, मुर्गी की या ऊंट की? जानवरों की बलि नहीं, नर बलि। नर बलि चाहिए? स्वामी जी, कल ही एक नर बलि दे चुका हूँ, उसी जगह पे एक मजदूर का गर्दन उड़ा दिया था। इस नर बलि के लिए मर्द नहीं चाहिए, एक लड़की जिसने जवानी में कदम रखा हो और जो आज तक पूरी तरह कुंवारी हो, ऐसी लड़की की बलि। उसके शरीर पर मछली के आकार का मस्सा होना चाहिए, गोत्र अनुराधा नक्षत्र का वृश्चिक राशि की होनी चाहिए। ऐसी लड़की की बलि देने से ही हमें खजाना मिल सकता है। आपने जैसा बताया उस तरह के गुणों वाली लड़की हमें कहाँ मिलेगी? बैठ जाइए जजमान। Thank you.
राम रेड्डी, तुम्हारे गांव के ईशान कोण की तरफ 5 किलोमीटर चलने पर वो लड़की मिल जाएगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। समझ गए? उस तांत्रिक की बात सुनकर वो सारे गुण मुझ में है ये सोचकर वो तीनों सगे भाई मेरे पीछे पड़ गए। इसका मतलब वो लोग यहाँ आए थे तुझे उठाकर ले जाने के लिए और तेरी बलि देने के लिए। इतना सब होने के बाद भी तेरे माँ बाप चुप क्यों रहे? बाप माँ घर सब मेरी माँ की मृत्यु के साथ खत्म हो गया। टाइगर माँ। माँ क्या है रे? बहुत भूख लगी है माँ। अरे तेरी बहन भीख मांगकर कुछ लाएगी, देखते हैं वो क्या लाती है, फिर खाएंगे। माँ। अरे अब तुझे क्या हुआ? मुझे भी बहुत भूख लगी है माँ। अरे मैंने इसे क्या कहा, तूने सुना नहीं क्या? कोई किसी का नहीं बेटी, बिगर गई है जिंदगी, ऊपर वाले का सहारा है बेटी। ए कलमोही, इतनी देर क्यों हुई? मुंह काला करके आई है ना? यहाँ बच्चों को भूख लगी है और तू भटकते हुए आ रही है। चुड़ैल मरती भी नहीं है। ए तुम लोग क्या देख रहे हो, भूख लगी है ना? चलो ठूसो खाना। गरम खाना लाने की बजाय बाप की लाडली ठंडा खाना लेकर आई है, चल ठूस। भर गया पेट तेरा? बस ले चुड़ैल, अब तू ठूस ले। इतने बिगड़ गए थे कि मेरे पापा कर्ज में डूब गए। हाँ, तेरा कौन सा कर्जा है रे? कौन सा कर्जा? रोज शराब लाकर पीते हो, वो कर्जा? जानता है मैं कौन हूँ? बल्लारी का बड़ा पटेलू है, यहाँ मेरी गलती है, मैंने पी ली, निकाल भी दिया, चल तू भी निकल। एक दिन मेरे पापा को और सौतेली माँ को डैडी ने अपने घर पर बुलाया। अरे वाह, कितना अच्छा सुंदर घर है, मजा आ गया, यही रहे क्या? उधर जा। अच्छा जाता भाई। सुनता, ये लड़की है कि लड़का, मेरी तो समझ भी नहीं आ रहा, तू बता। ये धीरे बोल बेवड़े, चरण छूती हूँ मालिक। मैं भी वही करता हूँ। देखो तुम लोग कौन हो, कैसे इंसान हो, तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए हमें सब पता है। मुझे इस समय तुमसे एक काम करवाना है और वो काम तुम्हें करना ही होगा। क्या है बताइए मालिक, आपके चरण धोने पड़े तो मैं अपने आंचल से धोंगी मालिक। तुम्हारी बेटी गंगा अब मुझे चाहिए। हाँ? उससे शादी करूंगा या अपने पास रखूंगा ये सब मत सोचना। फिर मैं एक पूजा करवा रहा हूँ और उस पूजा में उसकी बलि देनी है। अपनी बेटी को मनाना अब तुम्हारा काम है। मालिक आप हमें क्या समझते हैं? मानती हूँ मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, लेकिन मैं इतनी भी कठोर नहीं हूँ मालिक। भरत। हाँ भाई। हाँ? सब तुम्हारा है। इतने पैसे? ये सिर्फ एडवांस है, काम पूरा होने के बाद 10 लाख और मिलेंगे। अरे 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 मालिक, आपकी मन्नत तो पूरी होनी ही चाहिए ना, अगर हम आपके काम ना आए तो हमारा क्या फायदा मालिक? बकवास बंद कर। मालिक आपने हमें क्या समझाया? मालिक माना कि हम गरीब हैं, बेवड़े हैं, लेकिन अपनी बेटी बेच दो ऐसा बाप नहीं हूँ मैं मालिक। ये बली बली है, आप इंतजाम करो मालिक। सील बंद फुल बोतल है ये, काम होने के बाद तुझे इतना पिलाऊंगा कि पीते पीते ही चला जाएगा। मालिक
हमें क्या करना होगा बताइए। तुम्हें क्या करना है और उसे कहाँ लाना है वो मैं बताऊंगा। पर ये अच्छी तरह याद रहे, अगर ये बात बाहर कहीं उगली ना तो फिर बलि उसकी नहीं तुम दोनों की चढ़ाऊंगा। अरे नहीं मालिक, शुरुआत ही फुल बोतल से हुई है। चलो चलो चलो। मालिक आपने कहा ना ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, लेकिन ये खड़ा सुन रहा था इसीलिए मैंने टपका दिया। वफादारी में कुत्ते को भी मात दे दी इसने तो। माँ दीदी आ गई। हाँ आ गई बेटी, मेरी बेटी गंगा, कितनी सूख गई है तू। अरे कुछ नहीं लाई तू। ए मधु इधर आ। आई माँ। ये ले, इसे ले जाकर कुत्तों को खिला दे। हा? ले जा इसे भी ले जा। जा रे। तू आ जा बेटी। छोटी माँ। गंगा मेरी बेटी कितनी सूख गई है तू। बैठ जा मेरी बेटी, बैठ जा। हाँ मुझे ऐसे क्यों देख रही है बेटी। गंगा इस घर में कितनी भी मेहनत करो बेकार है, मनहूसियत और बदकिस्मती हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। इसलिए गंगा मैं एक बहुत बड़े पैसे वाले का घर देख कर आई हूँ, अगर तू उस घर का काम संभाल ले तो हमारी सारी मुसीबतें दूर होगी, तेरे पिताजी का सारा कर्जा चुकता हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आराम से जी पाएंगे बेटी। गंगा तू वो काम करेगी ना, वो काम करके तुम हमारा जीवन सवार दोगी ना बेटी। गंगा मेरे अब दो बच्चों की किस्मत तुम्हारे हाथों में। दीदी मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ, मुझे पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ना है दीदी, मान जाओ ना दीदी प्लीज दीदी। दीदी मुझे तुम्हारी तरह घर का जूठा बर्तन घिस कर बचा हुआ खाना पसंद नहीं है दीदी, मैं पढ़ लिख कर अच्छी सर्विस पर लगकर तुम लोगों को खुश देखना चाहती हूँ, मान जाओ ना दीदी प्लीज मान जाओ ना दीदी। मान जाओ ना दीदी। तुम सबको खुशी मिलती है तो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, कहीं भी जाने को तैयार हूँ, तुम लोगों के सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन बताओ। अरे 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 मेरी बेटी मेरी गुड़िया, मुझे पता था तू मेरी बात नहीं टालेगी, हमें जरूर खुश करेगी, देख तेरे लिए उन्होंने नए कपड़े भेजे हैं, जल्दी जा और नहाकर तैयार हो जा। काम क्या है ये तो बताइए। अरे बहुत बड़े घर का काम है, वो तुम्हें सब समझा देंगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी ना बेटी। हाँ जा जा जल्दी तैयार हो जा, डर मत मेरी गुड़िया। छोटी माँ पता नहीं पर मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। नमस्ते मालिक। गंगा मालिक को नमस्ते करो। नमस्ते। गंगा तू यही रुक, मैं अभी आती हूँ। हाँ लक्ष्मी आएगी जल्दी। बालिका काल दुश्मन बनकर तेरा पीछा कर रहा है, अगर तू उससे बचकर निकल गई तो 100 साल तक खुशी से जिएगी। ये लो जितना कहा था उतना ही है, चाहो तो गिन लो। लो सच में मेरी बच्ची लक्ष्मी है, इतने पैसे। अरे वाह, चलो निकलो यहाँ से। अब भगवान लक्ष्मी देवी। अरे कहाँ चली गई वो पता नहीं। अरे ढूंढ कर लाओ सचा। गंगा गंगा कहाँ चली गई, मिली कि नहीं पता नहीं मालिक।
उस साधु के कहने पर उस मुसीबत से बचकर निकल गई तो खुशी से जीऊंगी, ये सोचकर कहां जाऊं क्या करूं ये सोचे बिना मैं एक ट्रेन में चढ़ गई और यहां पहुंच गई। लेकिन वो शैतान मुझे ढूंढते हुए यहां भी पहुंच गए। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे टाइगर। तेरे माँ बाप ने पैसों के लिए तुझे बेच दिया, लेकिन मेरे माँ बाप ने अपनी खुशी के लिए मुझे फेंक कर चले गए। इस वक्त हम दोनों एक ही ट्रैक पर दो पटरियों की तरह है। इतने साल मैं क्यों जी रहा हूँ, किसके लिए जी रहा हूँ ये नहीं पता था। पैसों के लिए मैं किसी भी आदमी का काम करता था। वल्लारी ब्रदर से नहीं, पूरा वल्लारी भी अगर जांग ठोक कर खड़ा हो जाए ना तो भी मैं तेरे साथ ही हूँ। बलि कौन किसकी देता है देखते हैं। यहाँ बुला के पूछो या उनके सामने ले जाकर, ये डिसाइड तू कर ले। कौन है हम लोग, जब परेशान हो तो खून करते हैं, प्यास लगी हो तो हम खून पी जाते हैं, ठंड लग रही हो तो दूसरों की चिता पर खुद को सेंकते हैं। हमारी एक फटके से हड्डियां टूट जाती हैं, लेकिन वो टाइगर तलवार की धार है। वो जब शुरू होता है तो किस किस का कहां कहां से कौन सा पार्ट कट हुआ ये पता लगाने के लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, फिर भी पता चल जाए मुश्किल है। उसके हाथों से पिटकर यहां का डायलॉग मार रहा है, शर्म नहीं आती है तुझे? हमारे बाप की पैदाइश नहीं है तू? इसी अमावस्या की रात को हमें बलि देनी होगी। उसी राशि की उसी नक्षत्र की दूसरी लड़की चलेगी क्या? एक बार वशीकरण पूजा होने के बाद सिर्फ वही लड़की चाहिए, किसी भी वजह से दूसरी लड़की नहीं चलेगी। तो ठीक है स्वामी जी, उस लड़की को लाने की जिम्मेदारी अब मेरी है, मैं लेकर आऊंगा उसे। मुझे बुलाया सर? हाँ तुझे ही बुलाया, मेरी बात गौर से सुन। देख इस स्टेशन का पुराना ब्रोकर है ना तू, यहाँ कौन कितना लूटता है, कौन कितना चुराता है, किस किस को कितना कमीशन आता है ये तुझे पता है ना? ए इधर देख, फल से लेके लड़कियां बेचने वालों तक, कूली का काम करने वालों से खून करने वालों तक, जेब काटने वालों से लेके सर फोड़ने वालों तक, सबसे मेरे हिस्से का परसेंटेज मुझे मिल जाना चाहिए। सबसे? सही कहा सबसे, अगर नहीं मिला तो तुझे पकड़ के पुलिस स्टेशन लाएंगे, याद समझ रखना। गया सर। सर सर। ए, कौन है तू? मेरे बिल्टअप में ही अगर बता दिया तो मजा नहीं आएगा। सर दरअसल ये यहाँ का नहीं 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 सिटी के रेलवे स्टेशन का टाइगर है सर। ओहो तो तू ही है डील लेने वाला राउडी टाइगर, परसेंटेज तू ही लेगा या फिर मैं फिक्स करूं? अगर मैं खुद ही दे दूंगा तो माँ कसम तू ना नहीं करेगा। खाकी के सामने ऊंची आवाज में मत बोल, मुझे तू नहीं जानता। जहाँ मैं जाता हूँ लोगों की जुबान सिल जाती है, उड़ान भरा तो जिंदा दफना दूंगा। तुझे देखकर मेरा भी वही दिल कर रहा है। क्या दिल कर रहा है? यही कि तू उखाड़ने के लायक है। ए, मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुझे नहीं पता है? तेरे पैरों में लोहा लगा ये भी पता है, तेरा बाप सिद्धप्पा है ये भी पता है, और तेरी माँ लक्ष्मी बहन का भी पता है, तेरी औरत श्रीदेवी और तेरा सेटअप मू देवी है ये भी पता है। उसके नाम पर बैंक में कितना बैलेंस है, कितना सोना बनाया है, कितनी प्रॉपर्टी बनाई है ये सब पता है। तुझे पगार कितना मिलता है ये भी पता है, और टेबल के नीचे से तू कितना लेता है ये भी पता है। तेरी जन्म कुंडली का पन्ना पढ़कर सुनाया,
काफी है या और सुनाओ? सर आप इसे अगर मामूली आदमी समझ रहे हैं तो आपके जैसा बेवकूफ कोई नहीं है। ये आपके खिलाफ कंप्लेंट लिखकर सबसे पहले मुख्यमंत्री को, कमिश्नर को, लोकायुक्त को, एमएलए को, एमपी को, काउंसलर को, एफएम को, फेसबुक को, यूट्यूब को, इतना ही नहीं सर टीवी 9 को 24/7 सारे न्यूज चैनल में कंप्लेंट देकर आपकी पैंट उतरवा कर निक्कर में खड़ा करके पब्लिक में थू थू करवा देगा। आगे आपकी मर्जी। अगर तू चाहता कि मैं चुप रहूं तो फिर तू ही बता मैं क्या करूं। मेरी डील ऐसी होती है कि एक मारो दो टुकड़े, लेपा पोती नहीं होती। दोबारा कुलियों से रोल कॉल नहीं करने का, आवाज आवाज बिल्कुल नहीं। ठीक है भाइयों, कोई परसेंटेज मत देना, अब ठीक है ना टाइगर? टाइगर की जय! 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 टाइगर की जय!
टाइगर मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ खुशी खुशी रह रही थी, लेकिन अब मुझ पर उन शैतानों की नजर पड़ गई है। हर पल हमें उनसे डर डर कर जीना पड़ रहा है। टाइगर, एक बात कहूंगी तुम मानोगे? बोलो गंगा। हम दोनों यहाँ से कहीं दूर शहर चले जाते हैं, यहाँ से बहुत दूर। टाइगर, मैं हाथ जोड़ती हूँ, ना मत कहना। ए, नहीं नहीं, ठीक है गंगा, जैसा तुम चाहती हो। मेरे लौट आने तक जरा तुम संभल के रहना। ए, रेलवे स्टेशन पे रहने वाला वो दो कौड़ी का गुंडा जांग ठोक के अखाड़े में उतरने की बात कर रहा है। अब ठोके ना जांग, मैं भी जरा देखूं। मैं डंक मारने वाला बिच्छू हूँ, छू भी दिया तो जहर चढ़ जाएगा, सांसें बंद हो जाएंगी। रूल्स को, खाकी ड्रेस को रिस्पेक्ट देने वाला सिम्हा, सिम्हा। अरे कौन सा सिम है, पोस्ट पेड वाला सिम है या प्रीपेड वाला? ए कांस्टेबल, ए किसका खून करने आए हो? कौन हो तुम लोग, कहाँ से आए हो? देखिए, हम किसी को मारने नहीं आए हैं। ये लड़की है गंगा, हमारे घर की लड़की है, कोई राउडी इसे किडनैप कर ले गया। राउडी ने? सिर्फ इसे ढूंढने के लिए ही हम बल्लारी से बेंगलुरु आए हैं। कौन है वो? टाइगर नाम है उसका। टाइगर? हाँ सर, उसे पकड़ कर हमारी लड़की दिलवा दीजिए, आप जो मांगेंगे हम आपको देंगे सर। उस टाइगर से मुझे भी पुराना हिसाब चुकाना है। तूने अभी कहा जितना पैसा चाहिए उतना दोगे, मुझे पैसा मिलेगा ये तुम्हें मिलेगी। बस एक कंप्लेंट लिखवा दो। इतने पैसे हमने आपको दिए हैं कि कोई लड़की वाला दहेज में भी नहीं देता होगा। हमारा काम कब तक होगा सर? उस टाइगर को पकड़कर जल्द से जल्द जेल के अंदर कीजिए। तुम सिम्हा हो, ऐसा बार बार बिल्डअप मत कीजिए मेरे सामने। मैंने तो उसी दिन कहा था ये प्रीपेड सिम है, यूज करो और थ्रो कर दो। ए, कांस्टेबल, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने अपने खबरियों को फैला दिया है, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। दो दिनों की बात है, तुम्हारी लड़की तुम्हें मिल जाएगी। दो दिन, सिर्फ दो दिन? तुम्हारी बातों पर विश्वास करके जा रहा हूं मैं। चल रहे। क्या करूं, बिना दो घूंट लगाए दिमागी काम नहीं करता है। अरे टाइगर, तुम्हें मैंने कहां नहीं ढूंढा भाई, कहां था, क्या कर रहा था ये बता। तेरे बिना मैंने आज तक कोई सेटअप किया है क्या? ईमानदारी से बता, क्या है? कभी बोल बोल, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा, नहीं तो तेरे से कट्टी। ये कट्टी बट्टी नहीं चाहिए, कोई डील है तो बता। डील? हाँ डील, आज सुबह से कोई दो तीन बार ढूंढते हुए आया था भाई, और वो क्या नाम है, उसका नाम जो है आनंद था, वो मेरे पीछे पीछे आया। मैं तुझे ढूंढ रहा था, तू मुझे मिला नहीं, वो चला गया। वो देख, इसे कहते हैं किस्मत। वो कहावत है ना, अपने आप हड्डी खिसक कर कुत्ते के मुंह में गिरी, बिल्कुल वैसा ही। बस वही है तेरी डील। किस्मत देखो, नाम लेते ही आ गए। तुम लोग सुबह से टाइगर को ढूंढ रहे थे ना, जो पैसे के लिए बड़े बड़े लोगों को धूल चटा देता है, वो यही है। तुम्हारे बारे में सुना था, लेकिन आज तुमसे मिलकर मुझे
बहुत खुशी हुई। वो सब छोड़ो, हाथ में खुजली हो रही है, काम की बात बोलो। पहले मैटर बताओ। जो मैटर है वो मेरे अंकल बताएंगे। हाँ बोलो आनंद। वो राउडी टाइगर मेरे सामने ही खड़ा हुआ है, जरा उससे बात तो कीजिए। हेलो, बोलिए। ये हमारी प्रेस्टीज इशू की बात, ये फोन पे बताने वाला मैटर नहीं है। मैं एक जगह बताता हूँ, वहाँ पर आ सकते हो प्लीज? ठीक है, आता हूँ। अंकल, जैसा आपने कहा था प्लान के मुताबिक मैंने टाइगर को अड्डे पर लॉक कर दिया है। ओके ओके, ठीक है अंकल। उन रेड्डी ब्रदर्स को जल्दी से इन्फॉर्म कीजिए, वो लोग जल्द से जल्द आकर उसका काम तमाम करें। मैं और मेरे आदमी टाइगर को कवर करके उसकी कहानी आज खत्म करते हैं। इन केस वो बचकर निकला तो क्या? टाइगर! टाइगर! प्यारे प्यारे, ए प्यारे सुन, ए मेरे आने तक जरा संभल के रहना। तो हमसे बचकर भागेगी, कहां तक भागेगी? ले चल इसे, ले चल, उसे बच के भागेगी। ओम स्वाहा। मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी को बेच कर तूने पैसे लिए? अरे अपना मुंह बंद करो, काम होने के बाद पैसे मिलेंगे, पैसे आने के बाद तुम्हें सब दूंगी, मुंह बंद करो। मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगा, तू बहुत गलत है, मेरी बेटी को बेच दिया है तूने। कुंडमालिनी स्वाहा। गंगा गंगा गंगा, जगत जननी स्वाहा, भद्रकाली स्वाहा, कुंडमालिनी स्वाहा। दरवाजा खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो, दरवाजा खोलो। अरे अरे अरे, मुंह में कीड़े पड़े, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? आए, वो बोतल गिर गई, मुझे दूसरी चाहिए। अरे मुंह तक आया हुआ निवाला क्यों छीन रहे हो? तुम्हें जो चाहिए मुझे अभी चाहिए। अरे बाबा बेटे, अरे चुप जा। जय महाकाली। फट बल्लारी ब्रदर्स पर हाथ उठाने वाले को देखने के लिए आंखें तरस गई थी, अब देख लिया। मौत को देखने की इच्छा रखने वाला पहला शैतान तू ही है। शहर मेरा, बॉर्डर मेरी, एरिया मेरा, अब मौत जिसकी होगी वो तू है। दिल की धड़कन रुक गई, होश उड़ गए क्या? वो लड़की तेरी लगती क्या है?
मुंह और आंखें दोनों बंद कर ले। उस खजाने में से एक हिस्सा तुझे भी दे दूंगा, ओके? मैंने उससे वादा किया है। जंगल में एक ही राजा होता है, शेर, वो मैं हूं, और तू टाइगर। जानते हुए भी भूल रहा है मैं शेर का बच्चा हूं। साइलेंट रहेगा तो 100 साल, अगर वायलेंट हो जाऊंगा तो सिर्फ 3 मिनट। शैतानों डिसाइड कर लो, छोटा या बड़ा, बड़ा या छोटा। जिंदगी भर तुम्हारे साथ यहाँ रह सकती हूँ? अगर पहले बेटी हुई तो जान की बाजी लगाकर उस बच्ची को कलेजे से लगाकर पालेंगे, ठीक है? लेकिन अगर हमें पहले लड़का हुआ तो वो बच्चा कभी अनाथ ना हो, ऐसी रखवाली करेंगे। बढ़िया। हर माँ बाप अपनी जिम्मेदारी को समझें।